हाय गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत स्किल का क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था। थोड़ा सा मोबाइल से करने के कारण मैंने 13 तक ही किया। अब आगे बढ़ते हैं, 25 तक कर लेते हैं। तो 14वां क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 14, इन डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक, फिर से मैं रिपीट कर दूं, क्वेश्चन नंबर 14-13 तक हम लोगों ने कर लिया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 1 से लेकर के 13 तक क्वेश्चन। जिनको भी 1 से लेकर के 13 तक क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन है, वो कमेंट बॉक्स में जाके लिखें, मैं उसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं करूँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक द रिसीवर ऑफ द मैसेज यूजेस डैश टू क्रिएट प्लेन टेक्स्ट। डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक में संदेश ग्राही प्लेन टेक्स्ट बनाने के लिए डैश का प्रयोग करता है। क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल है, तो पहले इस क्वेश्चन में हम जो पढ़ रहे हैं तो डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक के बारे में जानना पड़ेगा। डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक किस पे काम करता है, पब्लिक की पे काम करता है या सीक्रेट की पे काम करता है या प्राइवेट की पे या कुछ और। तो डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक जो है हमारा पब्लिक की पे काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेंडर पब्लिक की। एक और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ जो डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक किस पे काम करता है। यहाँ आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर, ए थोड़ा सा जूम कर दूँ, ए डिजिटल सिग्नेचर नीड्स ए, ऑप्शन ए प्राइवेट की सिस्टम, ऑप्शन बी है शेयर्ड की सिस्टम, ऑप्शन सी है पब्लिक की सिस्टम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर ऑप्शन सी दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पब्लिक की सिस्टम। इसीलिए उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेंडर पब्लिक की के थ्रू हम डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक में मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा, थोड़ा एडवांस लेवल है। तो इन द डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक द रिसीवर ऑफ द मैसेज यूजेज द सेंडर पब्लिक की टू क्रिएट प्लेन टेक्स्ट, यानी सेंडर का पब्लिक की का यूज करके प्लेन टेक्स्ट को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपका थोड़ा एडवांस लेवल का है, नेटवर्क सिक्योरिटी का क्वेश्चन है ये, क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड। इफ़ यूजर ए वांट्स टू सेंड एन इनक्रिप्टेड मैसेज टू यूजर बी, द प्लेन टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड विथ द पब्लिक की ऑफ डैश। कह रहा है यदि यूजर ए कोई भी मैसेज सेंड करना, इनक्रिप्टेड मैसेज सेंड करना चाहता है यूजर बी को, तो प्लेन टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड विद द पब्लिक की ऑफ डैश। किसके पब्लिक की के थ्रू प्लेन टेक्स्ट इनक्रिप्टेड किया जाएगा, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। एक यूजर ए है जो कि मैसेज सेंड, इनक्रिप्टेड मैसेज सेंड करना चाहता है यूजर बी को, तो पूछ रहा है किस प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्टेड करने के लिए किसके पब्लिक की का यूज किया जाएगा। तो किसका हो जाएगा, पहला ऑप्शन है द नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है द यूजर ए, और तीसरा ऑप्शन है यूजर बी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यूजर बी। इस क्वेश्चन को आप लोग याद ही रखिए, इससे इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ऊँचा है। तो जो कोई भी इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस हैज़ PHP सपोर्टेड ऑलमोस्ट सिंस द बिगनिंग। तो PHP जो किस में लगभग शुरू से ही सपोर्ट करता है, किस डेटाबेस में। पहला ऑप्शन है ओरेकल डेटाबेस, ऑप्शन बी है SQL, ऑप्शन सी है MySQL, ऑप्शन डी है SQL+। तो जो लोग PHP में काम किए होंगे वो लोग
PHP MySQL सर्वर के बारे में जानते होंगे, जैम के बारे में जानते होंगे, लोकल होस्ट के बारे में जानते होंगे। तो PHP किसके साथ आ जाता है? हमारा MySQL सर्वर के साथ। सॉरी थोड़ा सा मैंने इसको मार्क नहीं किया। तो इसका हो जाएगा MySQL, और क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा यूजर बी। उसके बाद इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आपको सेंडर्स पब्लिक की। तो तीन क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कर लिया। तो PHP किस शुरू से ही किसके साथ है? MySQL डेटाबेस के साथ। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सिलेबस का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट ए टेबल। किस स्टेटमेंट का यूज करके हम क्रिएट टेबल करते हैं, किस में करते हैं टेबल क्रिएट? एक्सेल में नहीं, डेटाबेस यानी MySQL में, SQL में हम किस टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड लिखते हैं? तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं। पहला ऑप्शन है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, कॉलम टाइप। ऑप्शन बी है क्रिएट टेबल नेम, कॉलम टाइप, कॉलम नेम। उसके बाद ऑप्शन सी है क्रिएट टेबल नेम, कॉलम नेम, कॉलम टाइप। उसके बाद चौथा ऑप्शन है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम टाइप, कॉलम नेम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये क्रिएट टेबल जो है, क्रिएट टेबल कैपिटल में ही होगा, क्रिएट एंड टेबल। उसके बाद टेबल का नेम देना है, जैसे हम टेबल का नाम दे देते हैं, मेरे टेबल का नाम है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का एक टेबल बना देते हैं। क्रिएट टेबल दोनों कैपिटल में लिखना है। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, EMP दे दीजिए, शॉर्ट नेम, कुछ भी और भी दे सकते हैं। डिपार्टमेंट का बनाना है तो DPT दे दीजिए, CSA का बनाना है तो क्रिएट टेबल CSA लिख दीजिए। उसके बाद आता है कॉलम नेम, कॉलम नेम अगर हम CSA का टेबल बना रहे हैं तो कॉलम नेम में CSA का रोल नंबर होगा। उसके बाद कॉलम टाइप क्या होगा, रोल नंबर हमारे क्या इसमें आते हैं, इंटीजर में आते हैं, तो हम इंटीजर बना देंगे कॉलम का टाइप। क्लियर है? तो पहला है क्रिएट टेबल, टेबल का नेम CSA, क्रिएट टेबल CSA, रोल नंबर इंटीजर। तो रोल नंबर हमारा 1, 2, 3 होता है, इसीलिए हम इंटीजर लेंगे। उसके बाद इसको सेमी कॉलन के साथ क्लोज कर देंगे, तो हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द डाटा टाइप बेस्ट सुटेड टू स्टोर करेंसी वैल्यू। करेंसी के मान को स्टोर करने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है कौन सा डाटा टाइप होगा? ऑप्शन ए है इंट, ऑप्शन बी है डेसिमल, ऑप्शन सी है डबल, ऑप्शन डी है फ्लोट। तो इस क्वेश्चन में बहुत लोग डबल के साथ जाएंगे, लेकिन इसका आंसर होगा डेसिमल। डबल के साथ आपको नहीं जाना है, डेसिमल डाटा टाइप जो होता है, यहाँ डेसिमल जो होता है करेंसी वैल्यू के लिए हम लोग यूज करते हैं। डेसिमल के ही अंदर हमारा ये फ्लो, करेंसी वैल्यू के लिए हम लोग डेसिमल का यूज करते हैं। इंटीजर नंबर के लिए उसके बाद डबल अलग है, डॉट के बाद, दशमलव के बाद कितना अंक तक जाना है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डबल, फ्लोट। डेसिमल प्लेसेस के लिए हाउ मेनी प्लेसेस, इसमें कितने प्लेस तक हम जा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, PHP वेरिएबल, PHP वेरिएबल प्रिसीडेड बाय PHP चर डैश के पहले आते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन तो किसी से गलत नहीं होगा, ये क्वेश्चन जिसने PHP का क्लास किया होगा इंट्रोडक्शन या वेरिएबल का, तो उनसे गलत नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है अंडरस्कोर, ऑप्शन बी एट द रेट, ऑप्शन सी डॉलर, ऑप्शन डी एंड %। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा डॉलर।
डॉलर के साथ ही ना वेरिएबल स्टार्ट करते हैं, डॉलर के साथ कुछ भी हम लिखते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन 20 नंबर है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीएचपी कोड, पीएचपी कोड दिया हुआ है, उसका आउटपुट पूछ रहा है क्या होगा। तो कोड कुछ यू है, पीएचपी स्टार्ट किया गया है, उसके बाद व्हाइल कंडीशन लगाया गया है व्हाइल लूप का, उसके बाद ओपन कर ली क्लोज कर ली, उसके अंदर आर्गुमेंट है प्रिंट हाई और सेमीकोलन के साथ क्लोज कर दिया गया है और पीएचपी को भी क्लोज कर दिया है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, क्या इन्फिनेट लूप होगा या हाई होगा या नो आउटपुट होगा या एरर होगा, तो आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा एरर आ जाएगा, क्योंकि व्हाइल का जो सिंटैक्स होता है व्हाइल के साथ हमेशा कंडीशन होना चाहिए। जैसे कि मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ एक व्हाइल का, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है व्हाइल का, व्हाइल जो है व्हाइल के साथ हमेशा कंडीशन लगा हुआ है व्हाइल डॉलर एक्स लेस देन इजकल टू 5, उसके बाद ही ये रन करेगा, इसीलिए वहाँ पर कंडीशन नहीं है इसलिए एरर आएगा। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। द फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेसिंग फॉर्म डाटा इज टू टेस्ट इनपुट, फॉर्म डाटा को प्रोसेस करने के लिए पहला कदम इनपुट को डैश कहते हैं। तो फॉर्म आप लोगों ने बनाया होगा, कोई स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म होता है या ईमेल फॉर्म होता है, इस सब में फर्स्ट स्टेप क्या होता है डाटा प्रोसेसिंग का फॉर्म के अंदर। तो पहला ऑप्शन आपके पास है वैलिडेट, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कैप्चर, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है स्टोरेज, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है मैनिपुलेट। तो इसका आंसर हो जाएगा वैलिडेट, डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए हम वैलिडेट लगाते हैं फॉर्म में, वैलिडेट मतलब वैलिडेट करते हैं किसी भी फॉर्म को। दिखाता हूँ मैं कुछ इससे रिलेटेड, रुक जाइए एक सेकेंड। वैलिडेट फॉर फॉर्म वैलिडेशन के बारे में थोड़ा सा, जिन लोगों ने फॉर्म बनाया होगा उनका तो क्लियर है। चलिए थोड़ा वैलिडेट के बारे में मैं ही बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा है, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। वैलिडेट करने का मतलब फॉर्म में हम वैलिडेट लगाते हैं जो हमको क्या चाहिए, अगर नाम भी है तो नाम कैपिटल में चाहिए या स्मॉल में चाहिए, या क्या कहते हैं नाम के नाम का कितना 50 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए या 100 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, ये सब वैलिडेशन हम लगाते हैं फॉर्म के अंदर। HTML फॉर्म है आपका, PHP फॉर्म है, तो ये सारा वैलिडेशन हम फॉर्म के अंदर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। ये भी क्वेश्चन
हमारा ये भी क्वेश्चन आपको याद ही रखनी पड़ेगी। हमारा विच फंक्शन रिमूव्स द स्लैशेस दैट आर एडेड बाय मैजिक कोट्स। मैजिक कोट से तिरछी रेखा स्लैश को कौन सा फंक्शन हटाता है? तो इसका ऑप्शन ए है स्ट्रिप स्लैशेस फंक्शन, दूसरा है सी डॉट इसेट फंक्शन, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपको अनसेट फंक्शन, उसके बाद चौथा ऑप्शन है आपको एड स्लैशेस, उसके बाद तो इसको आप लोग याद रखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्ट्रिप स्लाइसिस। तेईसवां क्वेश्चन हमारा है द जावास्क्रिप्ट क्लास रिप्रेजेंट्स रेगुलर एक्सप्रेशन एंड बोथ स्ट्रिंग एंड डिफाइंड मेथड्स दैट यूजेज रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन को हम कैसे किस मेथड के थ्रू दिखा सकते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है आप लोगों को पता होगा, वही जो फॉर्म आप लोग भरते होंगे वहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है। जो आप फॉर्म भरते वक्त मोबाइल नंबर अगर लिख रहे हैं, मोबाइल नंबर में आप ये नहीं लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, कैरेक्टर नहीं लिख सकते हैं, ABCD नहीं लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर में आपको नंबर ही लिखना पड़ेगा। ये सारे रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं का यूज करके किया जाता है। जी आपको फॉर्म में कहीं आपको कैपिटल में लिखना है तो 0 से लेकर के Z वैलिडेशन लगाते हैं, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा जो है जावास्क्रिप्ट कोड इज रिटन इनसाइड फाइल हैविंग एक्सटेंशन। जावास्क्रिप्ट का क्या होता है, जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं तो इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, सभी को पता है .js होता है। जावास्क्रिप्ट का PHP का क्या होता है, .php। एक्सेल का क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एक्सेल का क्या होता है, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग। जावास्क्रिप्ट कोड को जावास्क्रिप्ट कोड किसके द्वारा कॉल किया जाता है, RMA, ऑप्शन बी फंक्शन या मेथड, ऑप्शन सी ट्रिगरिंग इवेंट, ऑप्शन डी प्री प्रोसेसर। तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, तो हम लोग इन्वोकेशन एक्सप्रेशन के थ्रू फंक्शन और मेथड को कॉल करते थे। वही पूछ रहा है किसको कॉल करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट कॉल करता है फंक्शन और मेथड का। जावास्क्रिप्ट मेनली हम लोग फंक्शन मेथड का ही यूज करते हैं, जैसे कैलकुलेटर बनाते हैं तो ऐड का फंक्शन बनाते हैं, सब्सट्रैक्ट का फंक्शन बनाते हैं, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बनाते हैं। तो इन सब टॉपिक्स में एक दो टॉपिक हो सकता है हम लोग क्लास के जरिए देखेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा दिखा सकता हूँ मैं, और भी कुछ चीज़ें हैं। फॉर्म वैलिडेशन मैं आप लोगों के अगले वीडियो में बताऊंगा, फॉर्म वैलिडेशन का एग्जांपल, उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन का एग्जांपल, और बाकी सारी क्लियर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 25 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन। तो आप लोग कृपया रिवाइज कीजिए भारत स्किल को, भारत स्किल से बहुत ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी फर्स्ट बैच के एग्ज़ाम हुए हैं सभी लोग भारत स्किल को प्रिफेयर कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।